मुंबई से बेहद दुखद खबर। एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का 40 साल की उम्र में निधन हो गया। हार्ट अटैक से निधन की खबर आए। बिग बॉस विजेता का हार्ट अटैक से निधन हुआ है, बड़ी दुखद खबर। सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस के लिए कपूर हॉस्पिटल ने पुष्टि की है। 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की दुखद खबर सामने आ रही है। मुंबई से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से निधन हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। बिग बॉस फेम टीवी सीरियल बालिका वधू से पहचान मिली थी सिद्धार्थ शुक्ला को, उभरता सितारा अब हमारे बीच नहीं रहा। टीवी जगत के नामी चेहरे अब इस दुनिया में नहीं रहे सिद्धार्थ शुक्ला, उभरते सितारे। 40 साल की उम्र में निधन हुआ है सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से, ये जानकारी सामने आ रही है, दुखद खबर सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस के लिए। सभी स्तब्ध हैं एक युवा एक्टर को खोकर। हाल ही में बिग बॉस के विजेता बने थे सिद्धार्थ शुक्ला, जिसके बाद करोड़ों फैंस बने थे, उनके फॉलोवर्स हैं, और आज सभी स्तब्ध हैं ये खबर सुनकर। बेहद दुखद खबर मुंबई से, और टीवी जगत के लिए एक बेहद बड़ा नुकसान, अपूर्णीय क्षति। कपूर अस्पताल ने इसकी पुष्टि की। छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक काम किया था एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला ने, बिग बॉस फेम, बिग बॉस के विजेता रहे, काफी पसंद किया गया था इनको बिग बॉस में, और आज सभी स्तब्ध हैं ये खबर सुनकर एक युवा कलाकार की मौत से। पूरा देश गमगीन है, कपूर अस्पताल ने इसकी पुष्टि की है। कपूर अस्पताल ले जाया गया था सिद्धार्थ शुक्ला को, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिल रही है कि हार्ट अटैक से निधन हुआ है, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शहबाज, एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद पूरा देश स्तब्ध है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल अदिति, क्योंकि जिस तरीके से इतनी कम उम्र में फिल्म इंडस्ट्री और पूरी दुनिया को अलविदा कह जाना कहीं ना कहीं काफी बड़ी क्षति मानी जा रही है फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी, और अचानक इस तरह से हार्ट अटैक के चलते मृत्यु हो जाना कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ी क्षति मानी जा रही है, क्योंकि काफी मंझे हुए कलाकार थे, काफी अच्छे कलाकारी के बल पे एक अच्छी फिजा जो उन्होंने बहुत ही कम समय में हासिल कर ली थी, उस अभिनय के बल पे काफी ख्याति पा चुके थे सिद्धार्थ शुक्ला, और अचानक इस तरीके की मौत कहीं ना कहीं फिल्म जगत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान माना जा रहा है। जी बिल्कुल शहबाज, जिस तरीके से उभरते सितारे थे, उभरते कलाकार थे, और बेहद सारे फैंस इनके बन गए थे बिग बॉस में विजेता होने के बाद, और अब ये जो खबर सामने आई है बेहद दुखद खबर है, और कहीं ना कहीं इनके जो फैंस हैं उनको काफी बड़ा झटका लगा होगा इस खबर के बाद। बिल्कुल, क्योंकि अगर बताने चाहेंगे, क्योंकि 2008 में इन्होंने जो सीरियल से 2004 में सॉरी माफ करिएगा 2004 में एक अपना डेब्यू किया था सीरियल से, उसके बाद 2008 में एक दूसरा इनका टीवी सीरियल आया, फिर उसके बाद 2014 में इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना कदम रखा, हम टी शर्मा की दुल्हनिया से इन्होंने फिल्मी दुनिया में भी कदम रखा, उसके बाद फेमस शो बिग बॉस में उन्होंने 13वां सीजन जीता, जिसके बाद उनकी सबकी नज़रें उन पर रहीं, इन सारे रियलिटी शो में, बहुत ढेर सारे रियलिटी शो में गए, खतरे के खिलाड़ी में गए, और अभी हाल ही में कई वेब सीरीज आई जिनमें उन्होंने बहुत ही शानदार अभिनय किया था, और अपने अभिनय के बल पर ही वो लगातार जाने जा रहे थे, और जिस वजह अचानक इस तरीके से उनकी मृत्यु हो जाना कहीं ना कहीं काफी दुखद ये घटना है, और इस घटना से पूरा मुंबई और पूरा देश इस वक्त स्तब्ध हो गया है। जी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहबाज। मुंबई से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रहे, हार्ट अटैक से निधन हुआ, बिग बॉस विजेता रहे हैं एक्टर, और आज हार्ट अटैक से अचानक मौत ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है, एक युवा कलाकार उभरता सितारा अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक बेहद भारी क्षति
टीवी इंडस्ट्री को अपूर्णीय क्षति। बालिका वधू से अपने करियर की शुरुआत की थी सिद्धार्थ शुक्ला ने और धीरे धीरे ख्याति मिलती गई। बिग बॉस के 13वें सीजन के विनर भी रहे, जिसके बाद इनके फैंस भी काफी ज्यादा बढ़ गए। करोड़ों फैंस आज सिद्धार्थ शुक्ला के जो स्तब्ध हैं एक्टर की मौत की खबर सुनकर। और फिलहाल